रहा शावक, जूझ रहा, तड़प रहा, सिसक रहा है, शोर उठा है, शोर उठा है, शोर उठा है। रावण जला, मरा नहीं है। रावण जला, मरा नहीं। रावण जिंदा है सदियों से। अनाचार अन्याय बड़ा है, सदाचार और न्याय घटा है। मर्यादाएं टूट रही है, घृणा प्रेम को लूट रही है। शोषण शासन की शक्ति है, कैसी हिंसक क्रूर वृत्ति है। शोषण शासन की शक्ति है, कैसी हिंसक क्रूर वृत्ति है। और हर चेहरा उतरा उतरा है, कैसी ये अभिशप्त धरा है। हर चेहरा उतरा उतरा है, कैसी ये अभिशप्त धरा है। और यहां चंद्र का चेहरा कलुष, चंद्र का चेहरा कलुषित, इसके अंबर के दिल का रे मन में ना है। छाया रहता घोर अंधेरा, सदियों से ही नहीं हुआ है विप्लवकारी कभी सवेरा। ऐसे गहरे अंधेरे में घूम रही अभी शब्द धराये, ढूंढ रही अपने सूरज को। अटक गई है, भटक गई है, लटक गई है, शोर उठा है, शोर उठा है, शोर उठा है। लोग यहां बेचारे शव है, लोग यहां बेचारे शव है, सबके सब है, बस बेबस है। लोग यहां बेचारे शव है, सबके सब है, बस बेबस है। इनकी फैली भटी प्रार्थनाओं की झोली, या नारों से या वादों से भरती जाती। यहां जिंदगी एक पाठ ही दोहराती है, आती है मर मर जाती है, आती है मर मर जाती है। कौन है कौन यहां जो मुक्त कर सके इसको। मैं डॉक्टर बंका बहादुर अरोड़ा, पंजाब पठानकोट से आपके सामने एकांकी की कुछ हिस्से, जो कि नाटक कोई भी हो, चाहे एकांकी हो चाहे पूरा नाटक हो, उसमें बहुत कुछ ताम झाम करना पड़ता है, परंतु मैं इसे एक्सपेरिमेंट के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आज मानव एक ओर तो कहता है कि मैं प्रकृति पर विजय पा रहा हूँ, मैं बीमारियों का नाश करने के लिए नई नई दवाएं की जांच कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी ओर उसकी हरकतें मानवता को विनाश के गड़े में धकेलने के लिए कारणत हो रही है। लेकिन कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। आज मानव अपनी उपलब्धियों पर नाज तो करे, लेकिन नाज के घमंड में मानवता को विनाश के कगार में धकेल दे, ये अच्छी बात है। आज 26 तारीख मानवता के संरक्षक नन्हे नन्हे बच्चों का बाल दिवस भी है। मैं उन नन्हे शहीदों को सादर वंदन करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उन बच्चों ने जोरावर सिंह, फतेह सिंह, वो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे
जो अपने कौल के पक्के थे, जिन्होंने अपनी तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कौल और अपने इरादों को कायम रखा, उन्हें लालच दिया गया, प्रलोभन दिया गया, लेकिन वो तस से मस्त नहीं हुए। मैं कहमर की इस पवित्र धरती से उन अमर शहीदों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आपके सामने नाटक का कुछ हिस्सा रखने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप जो कुछ भी यहाँ मैं नहीं कर पाऊँगा, जो कमियाँ इसमें रहेंगी, उसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। तो चलिए नाटक देखने की कोशिश करते हैं। सृष्टि रचयिता की सबसे उत्तम कृति मानव है। मानव सिर्फ मानव, युग बदले, परिस्थितियों को एक कर्मठ ली, आवश्यकताओं का जन्म हुआ, इच्छाओं की संरचना हुई और इन तमाम परिस्थितियों में से गुजरता हुआ यह मनु पुत्र धरा के टुकड़े टुकड़े करता हुआ खंड प्रतिखंड उपखंड मंडल धर्मंडल अर्थमंडल राष्ट्र द्वीप जाति धर्म संप्रदाय और न जाने किन किन प्रतिखंडों में विभक्त होकर रह गया। प्रकृति की मर्यादाओं का अतिक्रमण करता हुआ कभी सागर के अथाह गहराइयों में उतरा है यह मानव, तो कभी गगनचुंबी हिमाच्छादित पर्वत शिखरों पे अपने कदम रखता हुआ असीमित ब्रह्मांड को अपनी सीमित प्रतिभा शक्ति और क्रियाशीलता के बल पर अपने सामने झुका देने में तत्पर रहा है। उसके कदम चांद के वक्ष पर भी पड़े बिना नहीं रह सके। चंद्रदेव देखो मैं आ गया। ओह थरापुत्र बानव तुम यहां क्यों? विश्वास नहीं होता क्या? बात ही कुछ ऐसी है। चंद्रदेव मैं मानव हूं, मानव ब्रह्मा की सबसे श्रेष्ठ